तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 100 ग्राम ये चूर्ण खिला दो, अदर लेवटी डबल बना लो, ब्याने से पहले भी और ब्याने के बाद भी। यानी कि दोस्तों बहुत सारे भाइयों के कमेंट्स आते थे कि सर हमारी भैंस ब्याने वाली है, 1 महीना बाकी है या 1.5-2 महीना बाकी है, तो उसको क्या खिलाए कि उसका जो अदर लेवटी है वो साइज में बड़ी हो जाए और ब्याने के बाद दूध भी ज़्यादा दे। तो वहीं पर कुछ भाइयों के ये कमेंट्स आते थे कि सर हमारी गाय है या भैंस है वो ब्या गई है लेकिन उसकी अदर लेवटी कुछ भी नहीं बन पाई है, तो कोई ऐसा तरीका बताए जिसे हम खिलाकर उसके अदर और लेवटी को डबल कर सके। तो दोस्तों ये उन दोनों प्रकार के जो पशुपालक भाई है उनके लिए एक कमाल का नुस्खा है, एक ऐसा चूर्ण जो आप ब्याने से पहले भी अगर आपके पशु को खिला देंगे 20-25 दिन तो उसकी अदर लेवटी डबल हो जाएगी, और ब्याने के बाद भी खिला दोगे तब भी हो जाएगी और साथ में दूध बढ़ेगा वो अलग। और सभी की सभी देसी चीज़ें हैं दोस्तों, आपको आसानी से मिल जाएंगी। तो ये क्या है, कैसा चूर्ण हमने बनाना है, किसमें कौन कौन सी चीज़ें डालनी है, वो सब कंप्लीट जानकारी आज आपको इस वीडियो में दूंगा। और दोस्तों अगर आपके पशुओं में कोई शिकायत है या कोई समस्या है या कोई बीमारी है तो उसके बारे में इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पर लिखकर हमें बताइए, मैं उसके बारे में पूरी वीडियो बनाऊंगा, उसकी पूरी जानकारी दूंगा और उसका पूरा 100% इलाज बताऊंगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शीशपाल मलिक और आप देख रहे हैं आप सबका पसंदीदा यूट्यूब चैनल टुडे फार्मिंग जोन। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का। और दोस्तों डेयरी फार्मिंग व पशुपालन की रोजाना की ताज़ा जानकारी भरी वीडियो देखते रहने के लिए जिन मेरे भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बाजू में जो घंटी का बटन है उसको भी दबाकर ऑल पर सेट कर ले। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बनाना सीखेंगे अदर लेवटी को डबल करने वाला चूर्ण, जिसको आप अगर अपने पशु को ब्याने से 20-25 दिन पहले खिला दोगे तो आपके पशु का अदर लेवटी डबल हो जाएंगे, और अगर ब्याने के बाद खिला दोगे तब भी उतना ही असर होगा और जो दूध बढ़ेगा वो अलग से। तो दोस्तों ये कैसे बनाना है, इसके लिए सबसे पहले आपने मुलेठी लेनी है जो कि आप सामने स्क्रीन पर जिसकी तस्वीर देख सकते हैं, ये आपने 500 ग्राम मुलेठी लेनी है और ये डंडी सी होती है। आप किसी भी बड़े जो दुकानदार है पंसारी है उसके पास जाओगे तो वहाँ भी आपको ये मिल जाएगी, या तो फिर बड़ा कोई किराना स्टोर है वहाँ भी आपको आसानी से मिल जाएगी। तो मुलेठी आपने 500 ग्राम लेनी है और उसको कूट पीट के बारीक करके चूर्ण आपने बना लेना है, बारीक पाउडर बना लेना है। दूसरी चीज़ दोस्तों आपने अश्वगंधा लेना है, ये भी आपने आधा किलो यानी कि 500 ग्राम लेना है। अश्वगंधा को कई जगहों पर आशकंद भी बोला जाता है। तो दोस्तों ये आपने इसको भी बारीक कूट लेना है और पाउडर बना लेना है, और जो मुलेठी का पाउडर था उसमें आपने ये मिला देना है। तीसरी चीज़ आपने सौंफ लेनी है, सौंफ भी आपको कहीं भी किसी भी दुकान पर आसानी से मिल जाएगी, ये भी आपने 500 ग्राम यानी कि आधा किलो ही लेनी है, और इसको भी आप बारीक कूट लीजिए, चूर्ण बना लीजिए। और इसको भी जो मुलेठी और अश्वगंधा का आपने चूर्ण बनाया था या पाउडर बनाया था उसमें आप मिला लीजिए। चौथी चीज़ आपने पीले रंग की सतावर लेनी है, वो भी आपने आधा किलो यानी कि 500 ग्राम ही लेनी है, ये भी आपको किसी भी पंसारी की दुकान पे आसानी से मिल जाएगी, ये जड़े होती है जो कि आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो दोस्तों ये सतावर जो है वो एक सफ़ेद रंग की भी होती है और एक पीले रंग की, तो जो सफ़ेद रंग की होती है वो आपने नहीं लेनी है, वो हमारे किसी काम की नहीं होती है। तो जो पीले रंग की होती है जिसका रंग पीला होता है वो आपने लेनी है। आधा किलो सतावर ले आइए, इसको भी बारीक कूट पीट लीजिए और पीस कर इसको भी चूर्ण बना लीजिए, पाउडर बना लीजिए, और जो तीन चीज़ों का आपने पहले ही पाउडर बनाकर रखा हुआ उसमें आप इसको भी मिला दीजिए। तो दोस्तों ये आर्डर बढ़ाने के लिए भी बहुत काम आती है, और दूध बढ़ाने के लिए तो इससे बेहतरीन कोई चीज़ है ही नहीं, ये स्पेशली दूध बढ़ाने के लिए यूज की जाती है। पांचवी और आखिरी चीज़ दोस्तों, आपने
सूखा आंवला लेना है, ये भी आपने 500 ग्राम यानी कि आधा किलो ही लेना है, और ये भी आपको पंसारी की दुकान पर आसानी से मिल जाएगा, या तो अगर किसी भाई ने घर पर रखा हुआ है सुखा कर तो उसको भी आप काम में ले सकते हैं। तो पांच चीज़ें हो गई, पांचों चीज़ें आपने आधा आधा किलो लेनी है, 500-500 ग्राम लेनी है पांचों चीज़ें, और उनको बारीक कूट लेना है, पीस लेना है, और उनका बारीक चूर्ण बना लेना है, बारीक पाउडर बना लेना है। तो दोस्तों पांच चीज़ें आधा आधा किलो, तो टोटल मिलाकर ये 2 किलो 500 ग्राम हो गई, यानी कि 2.5 किलो हो गई। तो दोस्तों जो ऑर्डर डबल करने वाला और दूध बढ़ाने वाला चूर्ण है वो बनकर आपका तैयार हो गया है। अब इसकी डोज आपने पशुओं को कितनी देनी है, ये रोज़ का कितना देना है, ये आपने रोज़ का 100 ग्राम देना है। आप चाहे तो 100 ग्राम इकट्ठा भी दे सकते हैं एक साथ है। और अगर आप आधा आधा चाहे यानी कि 50 ग्राम सुबह दे सकते हैं, 50 ग्राम शाम को भी दे सकते हैं, तो उससे और भी बेटर रिजल्ट आता है। यानी कि दिन में 2 बार दे, 50 ग्राम सुबह 50 ग्राम शाम को, अगर आपने अच्छा रिजल्ट लेना है तो। तो दोस्तों ये आपने ब्याने से 25 दिन पहले ज़रूर देना है, और अगर ज़्यादा हो सके तो आप 1.5 महीना पहले भी शुरू कर सकते हैं, 2 महीना पहले भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन 25 दिन तो ज़रूर दें। और दोस्तों ब्याने के बाद भी आप दूसरे तीसरे दिन से ये शुरू कर सकते हैं, और ब्याने के बाद भी आप इसे 25 दिन ज़रूर दें, और अच्छा रिजल्ट आपके पशुओं में आए, अच्छी अडरलेवटी बने और अच्छा दूध बढ़े, तो आप इसको ज़्यादा दिन भी कंटिन्यू कर सकते हैं, ज़्यादा दिन भी दे सकते हैं। और दोस्तों और अच्छा रिजल्ट लेना चाहते हैं तो जो भी आप अपने पशुओं को दाना मिश्रण दे रहे हैं उसमें 50% चने और मक्का ज़रूर मिलाए, यानी कि आप 5 किलो दाना मिश्रण दे रहे हैं तो उसमें 2.5 किलो चने और मक्का ज़रूर होना चाहिए, यानी कि 1.25 किलो चना और 1.25 किलो मक्का, तो ये ज़रूरी है। इससे आपके पशु का ऑर्डर जो है, लेवटी जो है वो बहुत बड़ी बन जाएगी, और ब्याने के बाद दूध भी अच्छा देगा। और दोस्तों साथ में रोज़ का 100 ग्राम मिनरल मिक्सचर ज़रूर मिलाएं, यानी कि 50 ग्राम सुबह 50 ग्राम शाम को जो मिनरल मिक्सचर होता है वो क्या करता है, जो आपके पशुओं में किसी भी खनिज पदार्थ की या मिनरल्स की कमी हो जाती है उसको पूरे करता है, और पशु अच्छे से ब्याता है, जेर भी अच्छे से गिराता है, बच्चे को भी अच्छे से जन्म देता है, और सब कुछ अच्छा होता है, सब कुछ अच्छा होता है, तो आपके पशु का जापा सुधर जाता है, आपका पशु ब्याने के बाद अच्छा दूध देता है। साथ ही दोस्तों आपने एक विटामिन एच की सिरप आती है, जो कि आप सामने बहुत सारी अच्छी कंपनियों के विटामिन एच देख सकते हैं, इनमें से कोई एक आधा लीटर ले आइए, और ये रोज़ का आपने 10 से 15 ml रोटी पर लगाकर रात के समय देना है। अगर रोटी पर लगाकर रोटी ना खाता हो आपका पशु तो आप ये सीधा 10-15 ml एक खाली सिरिंज में भर लीजिए और सीधा पशु के मुंह में मार दीजिए धार, तो उससे भी आपका काम बन जाएगा। तो दोस्तों ये काम करके आप अपने पशु का जो अडरलेवटी है उसे साइज में डबल कर सकते हैं, और ब्याने के बाद अपने पशुओं से दूध भी डबल मात्रा में ले सकते हैं। तो दोस्तों आगे आप पशुओं की कौन सी समस्या, कौन सी बीमारी पर वीडियो चाहते हैं उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेंट करें। जिस भी पशुओं की समस्या या बीमारी पर ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेंट आएंगे उसी पर अगली वीडियो बना दूंगा, उसकी पूरी जानकारी दूंगा, उसका पूरा 100% इलाज बताऊँगा। तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, बाजू में जो घंटी का बटन है उसको भी दबाकर ऑल पर सेट करते जाइए। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, जल्द ही मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ, तब तक नमस्कार।